हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, हिमाचल जी के हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो जिला सिरमौर से रिलेटेड है। इसका सेकंड पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है सिंबलवारा नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिंबलवारा नेशनल पार्क लोकेटेड। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पौंटा घाटी में स्थित है सिंबलवारा नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी और 1974 में इसे वन्य जीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया था। यानी कि 1974 में इसे वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था और 2010 में इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया। जो सिंबलवारा नेशनल पार्क है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इसे एक और नाम से भी जाना जाता है, कर्नल शेरजंग। हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जिसे कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय पार्क के नाम से भी जाना जाता है? तो सिंबलवारा नेशनल पार्क जो कि जिला सिरमौर में है। इसके अलावा अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 27.88 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में रेणुका वन्य जीव अभयारण्य भी है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। 4 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में ही चूड़धार वन्य जीव अभयारण्य भी है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी और 66 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ओके, नेक्स्ट है सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। व्हेन वाज सिरमौर प्रिंसली स्टेट प्रजामंडल एस्टैब्लिश्ड। 1934 में सिरमौर रियासत प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है किंकरी देवी का संबंध हिमाचल के कौन से जिले से है। किंकरी देवी इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। किंकरी देवी का संबंध जिला सिरमौर से है। जिला सिरमौर के घाटों गाँव से थी किंकरी देवी। एक पर्यावरण रक्षक थी किंकरी देवी, जिन्हें 1995 में बीजिंग में एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन हुआ था, वहाँ पे उन्हें बुलाया गया था। इसके अलावा 1999 में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्त्री शक्ति पुरस्कार से किंकरी देवी को कब सम्मानित किया गया, तो 1999 में यह पुरस्कार दिया गया था। 1982 में जिला सिरमौर में जो अवैध खनन हो रहा था, जिससे पर्यावरण प्रदूषण हो रहा था, उसके विरुद्ध आंदोलन किया था किंकरी देवी ने। ओके, नेक्स्ट है जिला सिरमौर में बिरोजा फैक्ट्री कहाँ स्थित है। वेयर इज़ बिरोजा फैक्ट्री लोकेटेड इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में है बिरोजा फैक्ट्री। यह इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि रेजिन और तारपीन तेल की फैक्ट्री जो है वो कहाँ स्थित है जिला सिरमौर में, तो विरोजा फैक्ट्री जो है वो तारपीन की ही फैक्ट्री है जिला सिरमौर के नाहन के अलावा बिलासपुर के रघुनाथपुरा में। हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर के रघुनाथपुरा में, जिला सिरमौर के नाहन में है विरोजा फैक्ट्री जो कि तारपीन की फैक्ट्री है। नेक्स्ट है जिला सिरमौर में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। वेयर इज़ गन फैक्ट्री लोकेटेड इन सिरमौर। जिला सिरमौर के नाहन में है बंदूक बनाने का कारखाना। हिमाचल प्रदेश में जिला मंडी में और जिला सिरमौर में बंदूक बनाने का कारखाना है, जिला सिरमौर के नाहन में है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है। विच डिस्ट्रिक्ट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जिंजर इन हिमाचल प्रदेश। जिला सिरमौर में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में सीमेंट उद्योग सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया। वेयर वॉज द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री एस्टेब्लिश इन हिमाचल प्रदेश। जिला सिरमौर के राजवन में जो है पहला सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश में सर्वप्रथम सीमेंट उद्योग जिला सिरमौर के राजवन में 1980 में स्थापित किया गया। कौन सी कंपनी के द्वारा? CCI। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कंपनी का नाम, एग्ज़ाम में मोस्टली पूछा जाता है कि जो प्रथम सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था वो कौन सी कंपनी के द्वारा, तो CCI के द्वारा किया गया था 1980 में। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1984 में जिला बिलासपुर के बरमाणा में सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया था ACC कंपनी के द्वारा। 1995 में सोलन के दारलाघाट में अंबुजा सीमेंट प्लांट स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश के नाहन में लौह ढलाई कारखाने की स्थापना कब की गई। व्हेन वाज द आयरन फाउंड्री फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड एट नाहन इन हिमाचल प्रदेश। 1875 में राजा शमशेर के द्वारा जो है आयरन फाउंड्री फैक्ट्री नाहन में स्थापित की गई। ओके, नेक्स्ट है
जिला सिरमौर के कौन से स्थान पर थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप बनाए जाते हैं? वेयर आर थर्मामीटर्स एंड माइक्रोस्कोप मेड इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के पौंटा साहिब में थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप बनाए जाते हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के परवाणु में भी जो है थर्मामीटर और माइक्रोस्कोप बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेणुका मेला कौन से माह में लगता है? इंटरनेशनल लेवल रेणुका फेयर इज हेल्ड इन विच मंथ? नवंबर महीने में लगता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेणुका मेला। इसके अलावा जिला सिरमौर में एक और इम्पॉर्टेंट मेला जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है गांधी मेला। 30 जनवरी को लगता है ये मेला जिला सिरमौर के अम्बोआ नामक स्थान पर। ये स्थान भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गांधी मेला जिला सिरमौर के अम्बोआ नामक स्थान पर लगता है 30 जनवरी को। नेक्स्ट है, सिरगुल मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज सिरगुल टेम्पल लोकेटेड? सिरगुल महाराष्ट्र का मंदिर जिला सिरमौर की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार पर स्थित है। जो सिरगुल महाराष्ट्र का मंदिर है वो चूड़धार चोटी पर स्थित है जिला सिरमौर में। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंदिर हैं, कटासन देवी मंदिर जिसका निर्माण राजा जगत प्रकाश ने करवाया था, विश्वकर्मा मंदिर जो कि जिला सिरमौर में ही है, जिला सिरमौर के पौंटा साहिब में है, त्रिलोकपुर मंदिर जिसे बाला सुंदरी मंदिर भी कहा जाता है जिसकी स्थापना राजा दीप प्रकाश ने की थी, लक्ष्मी नारायण मंदिर ये नाहन में है, इसके अलावा राम कुंडी मंदिर जो है ये भी नाहन में है, कीर्ति प्रकाश ने इसकी स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सर्वप्रथम निर्मित जल विद्युत परियोजना कौन सी है? विच इज़ द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाई हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? हिमाचल प्रदेश सरकार की यहाँ बात हो रही है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी है। गिरी जल विद्युत परियोजना हिमाचल सरकार द्वारा निर्मित प्रथम परियोजना है। 60 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता है इसकी। 1964 में जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था और 1966 में ये बन के तैयार हो गई थी। इसके अलावा रोंगटोंग जल विद्युत परियोजना जो है ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है और लारजी जल विद्युत परियोजना ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? रेणुका झील हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अगर हम कृत्रिम झील की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील और प्राकृतिक झील है रेणुका झील जो कि जिला सिरमौर में है। ऐसी कौन सी झील है जो सोई हुई स्त्री की आकृति की तरह दिखती है? तो रेणुका झील जो है वो सोई हुई स्त्री की आकृति की तरह दिखती है। मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है कि सोई हुई स्त्री की आकृति की तरह कौन सी झील है, तो रेणुका झील है। एक और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है कि भार उठाई हुई स्त्री, यह है सोई हुई स्त्री, एक है भार उठाई हुई स्त्री की आकृति का क्या है, तो वो है केलांग ग्लेशियर, द लेडी ऑफ केलांग ग्लेशियर जो भार उठाई हुई स्त्री की तरह दिखाई देता है। इसके अलावा सुकेती झील भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। करेरी झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। डल झील, करेरी झील और पोंग झील, पोंग झील जो कि मानव निर्मित झील है ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। डल, करेरी और पोंग, मणिमहेश झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। नेक्स्ट है, रेणुका बांध किस नदी पर प्रस्तावित है? ऑन विच रिवर इज रेणुका डैम प्रपोज्ड? गिरी नदी पर प्रस्तावित है रेणुका बांध। 40 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता होगी इसकी। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के निर्माता वाई एस परमार का संबंध हिमाचल के कौन से जिले से है? वाई एस परमार द बिल्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? जिला सिरमौर के चनालक गांव के थे वाई एस परमार। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे वाई एस परमार और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पोलैंड्री इन हिमालयस, पोलियंड्री इन हिमालयस वाई एस परमार द्वारा लिखित पुस्तक है, इन हिमालयस। ओके, नेक्स्ट है, जिला सिरमौर में कितने विधानसभा क्षेत्र है? हाउ मैनी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर? जिला सिरमौर में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में 15, उसके बाद 10 हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी में और 8 हैं डिस्ट्रिक्ट शिमला में। लाहौल स्पीति और किन्नौर में 1-1 विधानसभा क्षेत्र हैं। कुल्लू और बिलासपुर में 4-4 विधानसभा क्षेत्र हैं
और इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट बस्ती हैं उनमें 5-5 विधानसभा क्षेत्र हैं। तो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है 5 विधानसभा क्षेत्र। ओके नेक्स्ट है, जिला सिरमौर के खादर महाजरी नामक स्थान से कौन सी नदी हिमाचल में प्रवेश करती है? विच रिवर एंटर्स हिमाचल फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड खादर महाजरी इन डिस्ट्रिक्ट सिरमौर? यमुना नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से प्रवेश करती है? जिला सिरमौर के खादर महाजरी नामक स्थान से प्रवेश करती है और ताजेवाला के पास डाक पत्थर नामक स्थान से हरियाणा में चली जाती है। भगवान सूर्यदेव से पौराणिक संबंध कौन सी नदी का है? एग्जाम में पूछा जाता है, तो भगवान सूर्यदेव से पौराणिक संबंध है यमुना नदी का। यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? पवर, गिरी, टोंस और बाटा, ये यमुना की सहायक नदियाँ हैं। ओके इसके अलावा जो जिला सिरमौर में नदियाँ बहती हैं वो है टोंस नदी, जलाल, मारकंडा, गिरी और बाटा। टोंस नदी उत्तराखंड से निकलती है और जिला सिरमौर में ये कोटी गांव से जो है जिला सिरमौर से हिमाचल में प्रवेश करती है टोंस नदी। जलाल नदी जो है जिला सिरमौर के ही बणी गांव से निकलती है। मारकंडा नदी बड़ावन नामक स्थान से, जिला सिरमौर के बड़ावन नामक स्थान से निकलती है। गिरी नदी जो है वो जिला शिमला की जुब्बल तहसील के कूपर या कई बार कूपर भी लिखा होता है नामक स्थान से निकलती है। और बाटा नदी जो है ये धारथी धार के सियोरी झरने से निकलती है। तो ये जिला सिरमौर में बहने वाली नदियाँ हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पझोता आंदोलन कब हुआ? व्हेन डिड पझोता मोमेंट टेक प्लेस? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1942 में पझोता आंदोलन हुआ था। किसके द्वारा चलाया गया था? ये किसान सभा द्वारा। पझोता आंदोलन 1942 में किसान सभा द्वारा ये चलाया गया था और यह भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही सिरमौर रियासत में शुरू हुआ था। इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि कौन से आंदोलन के साथ ही शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के साथ ही ये शुरू हुआ था। इसके मुख्य नेता थे वैद्य सूरत सिंह। ओके नेक्स्ट है, तारीख ए रियासत सिरमौर किताब के लेखक कौन है? हु रोट द बुक तारीख ए रियासत सिरमौर? रंजौर सिंह लेखक हैं तारीख ए रियासत सिरमौर के। इसके अलावा किला लोहगढ़ कहाँ स्थित है? वेयर इज फोर्ट लोहगढ़ लोकेटेड? किला लोहगढ़ पौंटा साहिब में है। नेक्स्ट है, ऋषिकल्पी स्मारक कहाँ स्थित है? वेयर इज ऋषिकल्पी मेमोरियल लोकेटेड? ऋषिकल्पी स्मारक भी पौंटा साहिब में है। नेक्स्ट है, किस राजा ने अपने क्योंथल घराने की रानी की स्मृति में नाहन में रानी ताल बाग बनवाया था? तो किसकी स्मृति में जो है नाहन में रानी ताल बाग बनवाया गया था? विच किंग विल्ट द रानी ताल बाग इन द मेमोरियल ग्राउंड ऑफ द क्वीन ऑफ हिज क्योंथल फैमिली? सबसे पहले रानी ताल बाग हिमाचल के कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है रानी ताल बाग। किसने इसे बनवाया था? राजा शमशेर प्रकाश ने रानी ताल बाग जो है यह नाहन में बनवाया था। नेक्स्ट है, 1933 ईस्वी में सिरमौर के राजा अमर प्रकाश की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? वेयर डिड राजा अमर प्रकाश ऑफ सिरमौर डाइड इन 1933? राजा अमर प्रकाश की मृत्यु ऑस्ट्रेलिया के बियाना में हुई थी 1933 में। अमर प्रकाश वही राजा थे जिन्होंने अपनी बेटी के नाम पर महिमा पुस्तकालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, जातक किला किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द जातक फोर्ट लोकेटेड? जिला सिरमौर में है जातक किला, जिला सिरमौर के नाहन में है जातक किला। इसके अलावा घंडूरी किला और हरिपुर किला भी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। जो जातक किला है वो किसने स्थापित किया था? रंजौर सिंह ने। तो जातक किला, घंडूरी किला और हरिपुर किला ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में है। इसके अलावा जो है कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है हम रिवाइज करेंगे। सबसे पहले महिमा पुस्तकालय कहाँ पे है? जिला सिरमौर के नाहन में है। लिंटन मेमोरियल भी नाहन में है। जगन्नाथ मंदिर है नाहन में। सुकेती फॉसिल पार्क भी नाहन में है। विरोजा फैक्ट्री भी नाहन में है। शीश महल और मोती महल भी नाहन में है। बंदूक निर्माण उद्योग भी जिला सिरमौर के नाहन में है। इसके अलावा लौह ढलाई कारखाना भी नाहन में है। रानी ताल बाग भी नाहन में है और जवाहर नवोदय विद्यालय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिमाचल की 12 की 12 डिस्ट्रिक्ट में
जवाहर नवोदय विद्यालय है, जिला सिरमौर में कहाँ पे है, जवाहर नवोदय विद्यालय जिला सिरमौर के नाहन में है जवाहर नवोदय विद्यालय। तो ये सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने कुछ लोक नृत्य भी डिस्कस किए थे, बिरसू गी राशा क्राशा और बुढ़ा। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के लोक नृत्य हैं। अगर हम लोक गीत की बात करें तो झूरी लोकगीत और लहाना लोकगीत ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के हैं। लोक नाटक की अगर हम बात करें तो करियाला लोक नाटक डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का है, लोकगीत है झूरी और लहाना और लोक नाटक है करियाला। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट धार हैं जैसे हरिपुर धार। फ्रेंड्स आई होप आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।